मेरे मन में भी सवाल हुआ कि भाई दिखता तो ऐसा है कि मोदी जी ज्यादा गए, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने दो लोगों को पूछा जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब इतना भी मालूम नहीं है आपको, मैं तो ना पे इसलिए तो आपको पूछ रहा हूं, आप बताओ ऐसा क्यों लगता है। तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जाते थे तो मैडम जो देती थी वो टाइप किए हुए दो पत्ते लेकर जाते थे और दो पन्ने वहां पढ़कर वापिस आ जाते थे और दो पन्नों में भी कभी मलेशिया का पन्ना थाईलैंड में पढ़ देते थे, कभी थाईलैंड का पन्ना मलेशिया में। दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। अब अपने मोदी जी जाते हैं एयरपोर्ट पर हजारों हजारों लाखों की भीड़, मोदी 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 करकर मोदी जी के स्वागत में खड़ी रहती, कार्यक्रम करते हैं, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आश्चर्यचकित रह जाते, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चीन जाए, जापान जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, जर्मनी जाए, फ्रांस जाए, लंका जाए, नेपाल जाए, भूटान जाए, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं इतने लोग मोदी जी को सुनने के लिए कैसे आते हैं। अभी अमेरिका गए, ट्रंप साहब भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी भीड़ कहां से आती है, वो रोक नहीं पाए। उन्होंने माइक में भी बताया कि भाई इतने लोग अमेरिका में मोदी को सुनने के लिए कहां से आते हैं। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में जो सम्मान प्राप्त करते हैं ना, वो सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान का सम्मान नहीं है। हरियाणा वालों, वो सम्मान भारत की 125 करोड़ जनता का सम्मान है जो देश पूरे संसार के अंदर भारत को सम्मान दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पूरे संसार के अंदर अपनी भाषा को, अपनी हिंदी को पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। और देश आज पूरी दुनिया देश को सम्मान के साथ देख, हमने देखे जमाने, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से पानी करते थे और दिल्ली से उठ नहीं कर सकते थे। गत 5 साल के अंदर 2 घटनाएं हुई, उरी और दूसरी घटना हुई जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। सबको लगता था कि अब क्या हो सकता है, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बालाकोट के अंदर हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर वो अपने जवानों का बदला देकर वापस आए। और मैं बताना चाहता हूं एक भी जवान अपना मारा नहीं गया, और जब अपने जवान वापस बदला लेकर आए तो दुनिया को, दुनिया में देश को देखने का नजरिया पूरा बदल गया। पहले कहते थे दुनिया के दरबार में हम फरियाद करने के लिए जाते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, हमारे जवानों को मार देता है, आज पाकिस्तान दुनिया के दरबार में फरियाद करने के लिए जाता है कि नरेंद्र मोदी की सेना हमारे यहां घुस गई। ये परिवर्तन जो आया है ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को बताया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और भारत की सेना के जवानों की जान की कीमत हम जानते हैं। मित्रों एक गौरव बख्शने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हुआ है। आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। मित्रों ये जो गति हुई है, यात्रा हुई है विकास की,
इसका समर्थन मांगने के लिए मैं आज हरियाणा की जनता के पास आया। धारा 370 हटाने का हौसला नरेंद्र मोदी जी ने, ट्रिपल तलाक को हटाने का हौसला नरेंद्र मोदी जी ने, और मैं आज आपको कहने वाला हूं फिर से हम 24 में आपके सामने वोट मांगने आएंगे, उसके पहले देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करे। 70 साल से ये घुसपैठिए देश के अंदर घुसकर हमारी सुरक्षा पर बड़ा सवाल या निशान लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मोदी जी का संकल्प कि घुसपैठिए को एनआरसी बनाकर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाकर हम देश के बाहर निकालें। मुझे बताओ हरियाणा वालों, इन घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? कांग्रेस पार्टी है, अपने सुरजेवाल जी विरोध कर रहे हो, उनको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? मैंने कौन समझाएगा? कैसल वाले समझाएंगे क्या? समझाएंगे क्या? अगर कांग्रेस वाले आते हैं तो पूछना जरा कि ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध क्यों किया, 370 हटाने का विरोध क्यों किया, 35 से हटाने का विरोध क्यों किया, घुसपैठियां निकालने का विरोध क्यों कर रहे हो? आपका दायित्व तो है या नहीं है भाई पूछने का, बताओ जरा मुझे। हजारों हजारों की संख्या में लोग बैठे, बताए जरा, पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? खट्टर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? 75 पार पहुंचाओगे? फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे चारों प्रत्याशियों को, बेंजा राजे कमलेश, हमारे चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत।